अल्लाम दोस्तों मैं हूं आतिफ बिल्लार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूम के साथ आप लोगों की खिदत में हाजिर हूं आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों के सवाल पे है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने सवाल किया था कि जेंतर की हे बनाई जा सकती है या नहीं या बकरियों को जेंतर की हे डाली जा सकती है इसके मतलब मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने जो एक्सपीरियंस है मुझे दो साल फार्मिंग या दो से ढाई साल फार्मिंग में मैंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मेरे हिसाब से जंतर की हे बनाई जा सकती है या नहीं अगर या बनाई जा सकती है तो वो किस तरीके से मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊँगा आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे जी तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये मेरे पास जंतर मौजूद है जो अभी अभी हम खेतों से काट के ले कर हैं जानवरों के लिए तो इसे उतारने लगे हैं ऊपर से ये क्या इसकी हे बनाई जा सकती है मुमकिन है या नहीं अगर बनाई जा सकती है तो वो किस तरह देखिए मेरा जाती जो एक्सपीरियंस है ना वो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि इसकी हे कोई ख़ास मतलब नहीं बन सकती कुछ लोग वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे बना भी रहे हैं लेकिन हर बंदे का अपना कोई एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से जेंतर जो है ना वो एक ऐसा सबज आ रहा है जो देखे अभी काटे हुए तकरीबन इसे एक घंटा भी नहीं हुआ तो ये किस तरह मर जा गया है? एक घंटे के अंदर ये मर जा गया है जब ये धूप के अंदर रहेगा ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एक दिन के अंदर अंदर अगर एक धूप भी लग जाए तो अगर ये इस तरह ही दो तीन घंटे धूप में पड़ा रहे तो इसके सारे पत्ते ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे तकरीबन अगर छांव में भी पड़ा रहे ना आज हम लेके आए अगर कोई एक दो पुले इसमें से बच जाए ना वो सुबह तक पड़े रहें बाड़े में ए, जो हमारा कमरा है जिसमें हम चारा रखते हैं तो सुबह को उसके तकरीबन पचास परसेंट जो है ना फ़ीसद पत्ते जो है वो नीचे गिर जाते हैं तो मतलब ये छाँव में इतनी जल्दी अपने पत्ते गिरा देता अगर ये ज़्यादा देर धूप में पड़ा रहेगा तो ये अपने पत्ते गिरा देगा मेन चीज़ें इसमें ना जंतर में खाने वाली इसका पत्ता और इसकी ये वाली टहनी होती है ये जो टाइनी है ये ब्रीक टाइनी ये टाइनी बस बचेगी पत्ते को आप फिर डालेंगे जिस तरह मतलब ये देखे अभी कल यहाँ पे रेड़ा खड़ा हुआ था तो ये इसके पत्ते जट गए ये देखें नीचे ज़मीन पे आपको मैं आपको कमरे में भी जा दिखा देता हूँ अभी देखे रात को कुछ जंतर बच गया था उसके पत्ते किस तरह नीचे गिर जाते हैं या ख़ुद ब खुद इसके पत्ते गिर जाते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब छाँव में है कमरे में है अगर ये ही धूप में पड़ा होगा तो इसके पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक दिन तो बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से पत्ते ये अपने फेंक दें ज़्यादा प्रोटीन जो होती है ना इसके पत्तों और फली में होती है तो कोशिश करें आप जंतर वो डालें जिसमें फली पे आ गया हो ना तो उसकी ताकत वैसे ज़्यादा होती है ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से ग्रोड ग्रास या लूसन की बेस्ट है जेंतर की है कोई मतलब इतनी ख़ास फ़ायदेमंद या कोई खा अच्छी खासी बनने वाली नहीं है तो आप ए, कोशिश कर लें कि जेंतर जब फली पे आ जाए ना इसमें वैसे ही ये जो है ना नमी जो है ये ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा इसमें फिर खुश्क चारा ही मतलब ज़्यादातर फिर ये खुश्क चारे पे जब इस पे फली आ जाती है, तो इस्तेमाल किया जा सकता है मैंने अभी तक है नहीं बनाई अगर कोई बंदा अपना एक्सपीरियंस है है इस चीज़ के मतलब तो मेरे साथ शेयर करे कुछ लोग कहते इसे कुतरा करके बरीक करके हे बना के डाली जा सकती है तो उस हिसाब से तो ये मुझे तो नामुमकिन लगती है क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये इसका तना ये बहुत कड़वा होता है और बहुत सख्त होता है ये बकरी चबा नहीं सकती इतना कड़वा और इतना सख्त होता है तो बकरी ये किस तरह मतलब कुतरे में खाएगी ये बकरी सिर्फ़ इसको आगे से खाती है ये जो ब्रीक टानी होती है ये खा जाती है इसकी बकरी ये और पत्ता खा जाती है फली खा जाती है ए, और अगर कोई बंदा इस चीज़ पे एक्सपीरियंस करना चाह रहा है तो वो करे क्या ये यंत्र को ले ले किसी साफ कपड़े पे या तरपाल वगैरह में धूप में डाल दें ये वो जब खुश हो जाए पत्ता उसका वो भी बकरियों को डाल दे बाकी जो चीज़ है वो भी डाल के देख ले और एक दो दिन ये इस्तेमाल करवाए उसे मतलब खुद ब खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा अपना कि क्या काम कर रहा मतलब कोई अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है कि चारे का ज़ाया ज़्यादा हो रहा कोशिश करनी होती है कि चारे का ज़ाया भी ज़्यादा ना हो तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमने नोट करने होते हैं तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने बताया कि मेरा तो कोई ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है इस पर दूसरे जेंतर की हे बनती है कि नहीं ना ही मैंने बनाई है ना मैंने कोशिश की है बनाने की तो ना ही मैंने आपको कोई गलत बयानी की है कि आप बना मैं अगर कोई बंदे का जेन है तो वो बना सकता है मैंने तरीका छोटा सा शेयर किया है कि जेंतर को काट के धूप में खुशक ले नीचे कोई कपड़े वगैरह का या तरपाल वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि इसके पत्ते तो गिर जाने हैं हाफ से ज़्यादा तो वो पत्ता ज़ाया ना हो आप उसे उठा के खुलियों में डाल सकते हैं ये अब बकरियाँ काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछेंगे कि बकरियाँ खाएँगी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता कि बकरियाँ खाएँगी कि नहीं मैंने देखा मेरी बकरियाँ खा लेती हैं लेकिन ये जंतर वगैरह ना के पत्ते थे मेरे पास कुछ खुश्क मैंने बकरियों को डाले उन्होंने कोई ख़ास खाए नहीं है मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि बकरियाँ मेरी कोई ख़ास मतलब ये खाएंगी नहीं ना ही इस पर कोई ख़ास मतलब हो गई क मैंने उन्हें डाले तो उन्होंने बिल्कुल भी मतलब उसे पसंद नहीं किया खुश्क पत्ते थे वो भी खुरलियों में हम जिनते रखते थे वो बच जाते थे नीचे वो मैंने ना साफ़ करके एक दिन खुरली में डाले तो बकरी किसी ने भी उसे मतलब इतना एक दो मुँह लगा के छोड़ जा रही थी तो मेरा एक्सपीरियंस तो इसी चीज़ को मानना है कि हे जो है ना वो बिल्कुल बेस्ट जो है वो लूसन की है कोशिश करें आप लूसन की हे जानवरों को इस्तेमाल करो अगर हे ही इस्तेमाल करवानी है तो फिर लूसन की करवाएं जेंतर को बस फली पे आए करवाएं लाजमी क्या है जेंतर महंगा भी होता है महंगा और जेंतर लेकर इसकी हे बनानी तो उम्मीद है आपको मेरी बातें भी होगी वी वीडियो भी अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी वी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल वाटफार भी इनको सब्सक्राइब करें मेरा कॉल नंबर सॉरी व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें जीरो तीन सौ तीन अठवंजा नानवे तीन सौ ग्यारह जीरो थ्री जीरो थ्री फाइव एट एट नाइन थ्री डबल वन ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है अगर किसी दोस्त ने कोई भी मशवरा करना तो प्लीज़ व्हाट्सअप पे मैसेज किया करें कॉल ना नंबर पे किया करें ना ही मुझे व्हाट्सअप पे कॉल किया करें अल्लाह हाफ़ मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टूडियो में